हाँ हम वहाँ गए, रास्ते में से चले आए, जो मिला लिए वहाँ गए ना फोटो वाले। हाथ हटाओ ना, छू जाए मोमबत्ती दिया। और मंगो उन्नाव जिले में दलित युवती की अपहरण के बाद हत्या मामले के मुख्य आरोपी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री का बेटा रजोल सिंह था हत्याकांड का मुख्य आरोपी, जिसकी 3,18,46,000 की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर दी है। बता दें कि रजोल सिंह पर काशीराम कॉलोनी की रहने वाली एक दलित युवती का अपहरण करने के बाद हत्या करने का आरोप है। इस मामले में मुख्य आरोपी के अलावा उसके भाई समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से रजोल सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 3.18 करोड़ की चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई है, जिसमें दिव्यानंद आश्रम भी शामिल है। इसी आश्रम की दीवार से सटे गड्ढे में दलित किशोरी की हत्या कर शव को दफनाया गया था। किस तरीके की कार्रवाई और कितने की कुर्की की जा रही है? ये माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 30 जून 2022 के क्रम में रजोल सिंह और अरुण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह निवासी कल्याणी थाना कोतवाली जनपद उन्नाव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 5 स्थलों पर लगभग 3,18,00,000 की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही उक्त आदेश के क्रम में की जा रही है। कुर्क की गई संपत्ति में आरोपी का आश्रम, शहर के 3 मकान और 2 भूखंड शामिल हैं। बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में 6 आरोपी शामिल थे। सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद डीएम रविंद्र कुमार ने आदेश पर मुख्य आरोपी रजोल सिंह की 3.18 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया। शनिवार देर शाम एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह और सीओ सिटी आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ दिव्यानंद आश्रम पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का बोर्ड लगा दिया है, अब इस संपत्ति की बिक्री और खरीद नहीं हो सकेगी। पंजाब केसरी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।